वर्तमान बड़बोली और नारेबाज वाली सरकार के कार्यकाल में युवा तल रहे पकौड़े, बजा रहे ताली थाली। जहां दरअसल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के बेरोजगार युवाओं ने मोदी सरकार को ताली थाली बजाकर जगाने का काम किया। ये तस्वीरें देवरिया के नरसिंह डाड़ की हैं, जहां गांव से लेकर शहर तक रोजगार की उठ रही थी आवाज। शिक्षक दिवस के अवसर पर दर्जनों युवाओं ने ताली थाली बजाकर सरकार को आगाह किया। शनिवार शाम 5 बजे तक हर गांव में थाली बजाकर युवाओं ने सरकार को कोसने का काम किया है। जिस तरह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में करोड़ों युवा बेरोजगार होकर आज घर पर बैठे हैं और सरकार लगातार निजीकरण में व्यस्त नजर आ रही है, युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फॉर्म भरवाने में ही लगी हुई है और परीक्षा का कोई निर्धारण करने का कोई समय नहीं है। ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, सरकार इतनी निकम्मी है कि रोजगार नहीं दे रही है। ना मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, मन बात कर रहे हैं मोदी जी तो रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, खिलौने बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार। ये सरकार कह रही है कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, कुत्ता बिल्ली पालने से हम लोग को रोजगार मिलेगा कि भर्तियां निकालिए तब रोजगार मिलेगा? कहां गई भर्तियां सारी जो यही पिछली सरकार में? हम लोग लगातार कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ रोजगार की तलाश में हम लोग आए दिन गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलते हैं, हमें निराशा हाथ लगती है। आज जिन युवाओं के हाथ में पेन किताब होना चाहिए, आज युवा ताली थाली बजा रहा है। आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से अव्वल दर्जे की निकम्मी सरकार है, क्योंकि इस सरकार का 6 साल बीत गया लेकिन एक भी रोजगार इस सरकार ने नहीं दे पाई। तो आप लोग किस तरीके से आज थाली और चम्मच सब पीट रहे हैं? जी, ये उन्हीं का दिया हुआ वरदान है कि कोरोना भगाओ थाली से। हम कह रहे हैं कि कोरोना थाली से नहीं भगेगा, रोजगार दो रोजगार। जब रोजगार में युवा आएंगे तभी भारत का विकास हो सकता है। अब सब युवा जाग चुका है, आपकी नीतियों को पहचानता है कि आप कितने अव्वल दर्जे के निकम्मे सरकार हैं। मतलब सरकार तो लगातार आपसे काम कर ही रही है इस रोजगार पे, फिर भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार की सरकार काम कर रही है 2014 के पहले जब से सरकार आई थी, उसके पहले जो भी भर्तियां थी, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी भर्तियां थी, जहां सीटें आती थी 20-20 हजार, वो सीटें आधी हो गई हैं। 5 हजार आती हैं, 600 आती हैं, ये सीटें कहां चली गई? ये सरकार क्या कर रही है? सरकार तो आप लगातार अपना काम कर ही रही है, आप कैसे प्रश्न लगा? किस प्रकार से सरकार काम कर रही है कि किसी से भी पूछ लीजिए सरकार की नीतियां क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। सरकार केवल कागजी नीतियां अपनाती है, केवल कागज में नीतियां चलाती है। आप इतने बेरोजगार युवा हैं, आपके पीछे आगे पीछे किसी से भी पूछ लीजिए कि ये कैसी सरकार है, कौन सी नीतियां लाती है, क्या करती है सरकार? इतने युवा बेरोजगार क्यों हो गए? आप देखिए GDP कहां लेके चली गई सरकार। इतनी GDP तो जब यहां पे जब अंग्रेज आए थे इतनी GDP नहीं गिरी थी जितना ये सरकार गिरा के ले चली, -23 है। क्या सरकार कर रही है? आप सरकार के बारे में क्या पूछ रहे हैं बताइए। को बता दे कि इस कार्यक्रम के दौरान विपिन, अमन, रजनी, राजन, मनोज गौर, अनिरुद्ध, अविनाश, अभिषेक, दिव्यांशु, अजीत, दीपक कुमार, कृष्णानंद, हरिकेश, आकाश गुप्ता, राकेश कुमार, धीरज आदि युवा मौजूद रहे।